हेलो गाइस, दिस इज बिना कैंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो एक अलग सेगमेंट में बना रहा हूँ। इट्स अबाउट स्टॉक मार्केट। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि 7 गोल्डन रूल्स फॉर बिगनर्स इन द स्टॉक मार्केट। सो रूल नंबर 1, जो कि सब भी सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट इट्स ए गैम्बलिंग, लेकिन अगर सच बोलूँ तो ये गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो लार्ज कंपनी और बिजनेसेस में लग रहे हैं, जैसे TCS हो गया कि रिलायंस हो गया उन लोगों का, और वो अल्टीमेटली कंट्रीज इकोनॉमी में लग रही है, उनके प्रोग्रेस में लग रही है। तो आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट इंडिया के इकोनॉमी में ही लग रहा है, तो ये गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो भले ही गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन इट हैज सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्क इन इट। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप मिनिमाइज करें रिस्क को और मैक्सिमाइज करें आपके रिटर्न को। तो चलिए डिस्कस करेंगे, और उसका रिलेट होता है कि रूल नंबर 2, कि कैसे हम मिनिमाइज कर सकें। तो जैसे कि रूल नंबर 2 है कि गो फॉर क्वालिटी एंड नॉट फॉर द क्वांटिटी। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो आप सोचते हो कि पेनी स्टॉक्स जैसे 10 रुपये हो गया, 20 रुपये, 30 रुपये, ऐसे का 1000 रुपये, मतलब 1000 स्टॉक, 2000 स्टॉक खरीद रहे हैं वो मल्टीबैगर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी क्वालिटी स्टॉक में भी लगाकर मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि पहले इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल्स देखिए, वो उसका कैसा मैनेजमेंट सिस्टम है, कैसा उसका पास्ट रिकॉर्ड है। आप फंडामेंटल कैसे देख सकते हो? फंडामेंटल देखने का तरीका होता है प्रॉफिट, वो कैसा लगातार प्रॉफिट दे रहा है, उस डेट वो डेट फ्री है कि नहीं, उसका फ्री कैश फ्लो है कि नहीं उस कंपनी का पास, और उसका पी रेशियो कैसा है, वो ओवर वैल्यूड तो नहीं कि अंडर वैल्यू है कि फेयरली वैल्यूड है, अब हम ले सकते हैं कि ऐसा कुछ। फिर ये जो पैरामीटर्स के जानने के लिए अगर आप चाहते हो तो हम कमेंट में लिख सकते हो कि इसका कुछ सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। फिर हम बात करेंगे कि ब्लाइंडली कभी पास्ट रिकॉर्ड को आप मत देखिए, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड इट्स लाइक ए बैट्समैन्स परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। वो बैट्समैन कैसा खेला है पिछले साल या उसके पहले डेब्यू में कैसा खेला, क्योंकि वो आगे खेल सकता है, उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। वैसे ही स्टॉक मार्केट भी वैसा होता है कि वो पिछले भले ही अच्छा परफॉर्म कर सकता हो, लेकिन आगे अगर कोई उस कंपनी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आगे वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकता है, वो ऐसा होता है। और बहुत स्टॉक के ऊपर हुआ है, जैसे आप देख लो, अगर यस बैंक हो गया, 2 साल पहले वो 300 रुपये का था, अभी देखो 11 रुपये 12 रुपये, ऐसा तो वैसा भी हो सकता है। और इसीलिए बहुत लोग इसको गैम्बलिंग बोलते हैं, जो भी है नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत कम चांसेस होता है। और वो क्यों होता है, और वो ऐसा नहीं कि वो 300 से 11 एक ही साल में हो गया, वो ऐसा नहीं, 300 हुआ, फिर 270, फिर 250, 220, घट, वो आपके पास टाइम रहता है, आप रिकवर कर सकते हो। नहीं तो अगर आप सोचिएगा कि ग्रीडी हो जाओगे, नहीं ये रिकवर करेगा ऐसा, लेकिन आप जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनके ऊपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, वो कंपनी कहाँ जा रहा है, उसका फ्यूचर क्या है, वो किस दिशा में अपने काम करना चाहता है, वो सब आपको करना, मतलब उसके ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा। विदाउट एनालिसिस यू कैंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली। सो पास्ट रिकॉर्ड को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, हाँ, लेकिन अगर जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है वो अच्छा स्टॉक माना जाएगा, क्योंकि वो उसका कैपेबिलिटी है कि वो रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन पास्ट रिकॉर्ड मतलब कितना, 10 साल, 5 साल, मिनिमम तो 5 साल होना ही चाहिए, उससे कम वो न्यू कंपनी है, आप रिलाय नहीं कर सकते उधर। फिर हमारा रूल नंबर 4 कि डोंट पुट ऑल सेविंग्स एट ए टाइम। ये क्या है, क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख है और 1 लाख एक दिन में ही खर्च कर दिया, और अगले महीना या फिर 2-3 वीक के बाद
एक मार्केट का करेक्शन हुआ, मार्केट नीचे गिरा, तो आपके पास कोई भी पैसा नहीं है लगाने का, तभी आप क्या करोगे? सो इसीलिए पूरा पैसा अपना मत डालो, जितना मतलब मैक्सिमम पैसा डाल लो, क्योंकि शेयर भी खरीदना है, तो बाकी का जो 30% या 20% रह गया वो मार्केट करेक्शन होने के बाद आप खरीद सकते हो। ये आपको एक एवरेज कर देगा प्राइस को। अगर आप कुछ स्टॉक्स ऊंचे दामों में खरीदे हो वो नीचे आ गया तो आप एवरेज हो सकता है। तो ये अच्छा होगा कि आप पूरा मत डालो, अगर 80 डाल रहे हो तो 20 अपने पास रखो सेविंग्स में। फिर हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। कभी आप ये मत सोचो कि जैसे बिगनर होते हो, जैसे आपका उम्र 20 साल 25 साल हुआ है, तो कभी आप 3 या 2 साल का मत सोचो, मिनिमम 5 ईयर्स और एक्सटेंड तो आप जितने साल भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पैसा को थोड़ा इन्वेस्ट करने का टाइम दे रहा है, कंपाउंड होने का टाइम दे रहा है। क्योंकि जब तक आप लॉन्ग टर्म का बेनिफिट्स नहीं जानोगे तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज फर्स्ट बेनिफिट, और ये बहुत मैसिव ग्रोथ दे सकता है आपके इन्वेस्टमेंट को। क्योंकि जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका वो ही कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, तो 2002 में वो 10 रुपये या ऐसा कुछ था, अभी देखो 2400 हो गया। तो इट्स ए स्पैन ऑफ 20 ईयर्स। तो आपका पैसा तो वही रहता है, लेकिन जो कंपनी उसका ग्रोथ होता है, उसका शेयर स्प्लिट होता है। शेयर मार्केट का एक और भी लॉजिक है कि शेयर स्प्लिट होना, कि आप एक खरीदे हो लेकिन वो 2 शेयर हो सकता है। तो जितना लंबा रहोगे तो उतना अच्छा आपके लिए भी है, आपके पैसा के लिए है, और कंपनी के लिए भी तो बहुत है। डिविडेंड भी मिलेगा, और वो मल्टीवेगर जैसे रिलायंस का मैंने बात किया, जैसे MRF का मैंने बात किया कि 800 में था, अभी 80,000 के ऊपर है। तो मल्टीवेगर ढूंढने आप अगर चाहोगे कि मल्टीवेगर मिल जाए तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो पहले से ही अच्छी कंपनी के ऊपर, तो वो इवेंचुअली वो एक मल्टीवेगर ही होगा। मल्टीवेगर का मतलब क्या है कि आप कम अमाउंट दे रहे हो वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप जो भी, अगर आप बोल रहे हो कि 3,000 रुपीज़ भी मल्टीवेगर नहीं बन सकता तो वो गलत है। कि अभी भी जो TCS है, अगर 50 साल के बाद वो अगर एक अच्छा कंपनी हो गया, तो अभी के फ्यूचर जो बोल रहे हैं कि अभी के लोग जो बोल रहे हैं कि वो 3,000 हो गया उसको ना खरीदे, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि MRF भी तो 800 में था, कभी तो वो 3,000 या 5,000 में भी होगा, अभी देखो 80,000 में, तो ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकते। फिर हम आएंगे 6 रूल के ऊपर, जो है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। हमको डाइवर्सिफाई क्यों करनी है अपने पोर्टफोलियो? तो पहली बात है टू मिनिमाइज द रिस्क, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, टू गेन नॉलेज ऑन डिफरेंट सेक्टर, टू स्टेबिलाइज आवर पोर्टफोलियो। तो ये जो है वो डाइवर्सिफाई के बेनिफिट्स हैं। और ओवर डाइवर्सिफाई मत करिए। अगर आपके पास फिक्स स्टॉक के ऊपर जाना चाहते हैं तो हार्डली 10 स्टॉक के ऊपर जाइए, और मैक्सिमम 30 स्टॉक तक आप जाइए, क्योंकि ज़्यादा होगा तो वो ओवर डाइवर्सिफाइड होगा, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। और क्वालिटी स्टॉक चुनिए, और पेनी स्टॉक की तरफ ना जाए। पेनी स्टॉक मतलब वैसा नहीं, स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर आप फंडामेंटल्स के ऊपर देखकर ही जाना, ऐसा नहीं कि जो भी मिला उसको उठा लो, वैसा मत करिए। और फिर 7th पॉइंट, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये सब टाइम का खेल है। जितना आप टाइम दोगे उतना कंपाउंड होगा, उतना पावर कंपाउंड होगा। एक एग्जांपल ही ले कि एक पर्सन है जो हर महीने 15,000 SIP कर रहा है, SIP तो छोड़ो, 15,000 इन्वेस्ट ही कर रहा है सब स्टॉक्स के ऊपर। क्योंकि SIP होगा तो आप सोचोगे कि म्यूचुअल फंड होगा, तो डायरेक्ट स्टॉक के ऊपर वो 15,000 ले रहा है, वो डिफरेंट स्टॉक्स खरीद रहा है 15,000 मंथली, और वो जो खरीद रहा है वो एक साल के अंदर उसको एवरेज 15% दे रहा है।
वो इस तरह से 15 साल कर रहा है लगातार हर महीने, SIP ही समझ लो, SIP के टाइप का। तो वो एंड ऑफ द टाइम वो करीब 1 करोड़ रुपीस वो मिल रहा है उसको, और वो 15 साल किया, फिर बाकी थोड़ा वो रुक गया और फिर और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और 5 साल, वही 5 साल जो 15 साल में वो 1 करोड़ कमाया, वो फिर जो 16 से लेकर 20 तक जो कमाया वो भी 1 करोड़। कैसे हुआ? दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि 15% इंटरेस्ट में अगर तुम हर पाँच साल में आपका पैसा डबल हो गया। तो ये रहा कुछ 7 गोल्डन रूल्स फॉर द बिगनर्स। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट कीजिए, और थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।